हेलो गाइस, वेलकम ऑन किचन किंग। आज हम लच्छेदार रबड़ी बनाने वाले हैं। होटल में जैसी हलवाई बनाते हैं वैसे ही ये रबड़ी घर पर एकदम आसानी से बन जाती है। इसमें कोई ब्रेड क्रम, दही या सेट्रिक एसिड डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एकदम आसानी से 1 लीटर दूध से हम लच्छेदार रबड़ी बनाने वाले हैं। तो चलो लेट्स प्ले द वीडियो। एक मोटे तले की बड़ी कढ़ाई में 1 लीटर दूध ऐड कीजिए। मैंने ज़्यादा फैट वाला भैंस का दूध ऐड किया है क्योंकि भैंस के दूधों से लच्छे एकदम आसानी से बन जाते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होगा तो आप गाय का भी दूध ऐड कर सकते हैं। अब इसमें एक बार उबाल आने दीजिए। एक बार उबाल आ जाए गैस का फ्लेम लो कीजिए और जो लच्छे है वो हमें एक साइड पे लगा कर लेना है। अक्सर हलवाई के पास बड़े कढ़ाई होती है और वो लच्छे एकदम आसानी से साइड पर लग जाते हैं और हाई फ्लेम पर वो उबाल लेते हैं और लच्छे साइड पर स्पून के सहारे या फोर्क के सहारे अच्छी तरीके से लगाते हैं। पर हमारे पास वो कढ़ाई अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए जो ऊपर की मलाई है उसे अच्छी तरीके से हमें साइड पर लगा कर लेना है। उससे ही हमारे लच्छे एकदम आसानी से बन जाते हैं। पर ये ध्यान रखिए कि हमारे लच्छों को नीचे लगने मत दीजिए। इसे बार बार इसे अच्छी तरीके से स्टर कीजिए। लच्छों को साइड से अच्छी तरीके से लगा कर लीजिए। आप देख सकते हैं हमारी मलाई लगभग रेडी हो चुकी है और दूध की क्वांटिटी है वो भी 1/3 हो चुकी है। अब इसे हमें और 10-12 मिनट तक गाढ़ा होने देना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो दूध की क्वांटिटी है वो 1/3 हो चुकी है। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून इलायची पाउडर, 6 से 7 केसर के धागे और 40 ग्राम शुगर ऐड कीजिए। आप शुगर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपके टेस्ट अनुसार उसे कम ज़्यादा करिए। अब इसे अच्छी तरीके से स्टर कीजिए। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके लीजिए। दूध को हम और 20 मिनट तक अच्छी तरीके से स्टर करते रहेंगे। इसकी हाफ क्वांटिटी होने तक इसे अच्छी तरीके से हमें पका कर लेंगे। एक बार इसकी हाफ क्वांटिटी हो जाए तब इसे एक बाउल में निकाल कर लीजिए। आप देख सकते हैं हमारा दूध का कलर भी चेंज हो चुका है और ये लगभग गाढ़ा हो चुका है और इसके लच्छे भी रेडी हो चुके हैं और इसकी क्वांटिटी है वो हाफ हो चुकी है। अब इसे एक बाउल में निकाल कर लीजिए और आप रबड़ी की जो थिकनेस है वो भी देख सकते हैं। अब इसे एक बड़े बाउल में निकाल कर इसे रूम टेम्परेचर पर आने तक अच्छे तरीके से ठंडे होने दीजिए। एक बार ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए तब इसे फ्रिज में 10 से 12 मिनट तक रखिए। या आप जितनी ज़्यादा देर आप फ्रिज में इसे रखेंगे उतनी ही रबड़ी हमारी गाढ़ी होती जाएगी और इसके लच्छे बनते जाएंगे। इसलिए आप जितनी ज़्यादा देर रख सकते हैं उतनी ज़्यादा देर फ्रिज में रखिए और इसे गुलाब जामुन या जलेबी या ब्रेड के ऊपर लगा कर अच्छी तरीके से खा सकते हैं। और इसके ऊपर से गार्निश के लिए आप गुलाब की पंखुड़ियाँ और पिस्ता ऐड कर सकते हैं और आपको जो ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और विच टाइप ऑफ वीडियो वुड यू लाइक प्लीज कमेंट में शेयर विथ वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली। क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।